लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नहीं बस बेटे बस, आखिर कब तक हम लोग इस तरह जिएंगे? हमारे बस में जो कुछ भी है वो हम कर रहे हैं। धीरज रखो बेटे, बस करो। काका गाड़ी, काका गाड़ी। भगवान ये क्या हो गया इन्हें? क्या हुआ आपको? क्या हो गया आपको? ये क्या किया तुम लोगों ने इन्हें सर? वही जो पुलिस हमारे साथ करती है, गवाही देने से मना किया था ना, फिर क्यों गया? अब जाओ दिखाओ पुलिस को, जैसा बर्ताव वो हमारे लोगों के साथ करेंगे वैसा ही हम पुलिस का साथ देने वालों के साथ भी करेंगे। ए ए क्या घूरता है तू, क्या घूरता है साले? बाप जैसा हाल बना के रख दूंगा तेरा भी, और बता देना सबको जो भी हमारे खिलाफ गवाही देने जाएगा उसका यही हाल होगा। चलो भाई, मैं सब कुछ तो है अपना, अब यहां रखा ही क्या है? मेरे साथ बंबई चलो। राइट लेफ्ट राइट। ईशा को बोलना, कब से पूछ रही हूँ क्यों बन रही है? मैं बन रही हूँ और नहीं तो क्या, बनने बनाने का काम तो तेरा है यार। उस दिन कितना बन रही थी ना, जब वो तेरे से मिलने आया था। हाय आनंद। वो तो मैं उसे यूं ही चिढ़ा रही थी, मुझे क्या मालूम कि वो आएगा ही नहीं। शुभ बोलना प्लीज, क्यों नहीं आ रहा वो? पता नहीं, मैंने भी उसे कई दिनों से नहीं देखा। उसका घर खाली पड़ा है, अब वहाँ कोई नहीं रहता। लोग सच ही कहते हैं कि गुलफाम का अंदाजे बयां है ही अलग। आइए सब आइए। हाँ। Your attention please, Mr. Ajay Singh, you're requested to come backstage. Ajay Singh जो दिल्ली के हैं, please come backstage. Mr. Ajay Singh, please come backstage. बहन जी, साहब बुला रहे हैं, जल्दी कीजिए नहीं तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। हाँ हाँ। भैया से कहो मैं आ रही हूँ। Mr. Ajay Singh जो दिल्ली के हैं, don't mind, please come backstage. यहाँ आपका कोई इंतजार कर रहा है। मिस्टर अजय सिंह प्लीज। अजय तुम बिल्कुल नहीं बदले। लेकिन तुम बदल गई हो, दिल्ली के उस बस स्टॉप से लेके आज तक। साल भी तो बहुत हो गए। बहन जी, भाई साहब बहुत गुस्सा हो रहा है, जल्दी चलिए। भैया से कहो डोंट माइंड, मैं आ रही हूँ। जी देखो ना, इतने साल बाद मिले और अब टाइम नहीं है, चलो चलते चलते बात करते हैं। चलो। अच्छा ये बताओ तुम यहाँ कैसे? खैर वो बाद में, दिल्ली से कहाँ गुलो गए, मैं तो ढूंढते रह गई। खैर वो भी बाद में। तुम मुझे पहले ये बताओ तुम यहाँ कैसे? डोंट माइंड, तुम बोलते क्यों नहीं? तुम मौका दोगी तभी तो बोलूंगा ना। सॉरी, तुम यहाँ कैसे? मैं तो यही हूँ। यहाँ कहाँ? कुलाबा। कुलाबा में कहाँ? राजरी मालूम, राजस्थान हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम, ताज के पीछे, वो अपना है। अच्छा ओके, डोंट माइंड, आज मैं जरा जल्दी में हूँ, लेकिन हमारे यहाँ कल पार्टी है और तुम जरूर आना। मैं तुम्हें अपना फोन नंबर देती हूँ। हाथ बढ़ाओ, फोन जरूर करना, भूलना मत। तुम फोन नहीं करोगे, चलो इनविटेशन देने मैं खुद ही आ जाऊंगी। राजरी, राजस्थान एम्पोरियम, ताज के पीछे, राइट? राइट। ओके बाय बाय। इतनी देर कैसे लग गई? कौन था वो? मेरा दिल्ली का दोस्त था। ओ। Is this handmade? Of course it is. How much does it cost? 850 rupees. कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं दुकान के मालिक से मिलना चाहती हूँ। फरमाइए क्या काम है? जी मैं अजय सिंह जी से मिलना चाहती हूँ। ओह, आप इस तरफ चले जाइए। अनीता, इन्हें हमारे मालिक से मिलना है, अजय सिंह जी से। अच्छा, तो आप हमारे मालिक से मिलना चाहती हैं? जी। क्यों?
क्यों? वो किसी से मिलते नहीं है क्या? सबसे तो नहीं मिलते। क्या आप उन्हें जानती हैं? बिल्कुल, दिल्ली से जानती हूँ। डोंट माइंड, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। ओह, लीजिए, आ गए हमारे मालिक। हाय। अजय सिंह जी, हाय। इनको आपसे मिलना है, दुकान के मालिक से। अच्छा भाभी, सुबह से और कोई मिला नहीं आपको? सीमा, ये मेरी भाभी हैं। और भाभी ये सीमा है, हम लोग दिल्ली में एक साथ पढ़ते थे। मालूम है। और ये है उस दुकान के मालिक, मेरे काका। नमस्ते जी। डोंट माइंड, मैं तुम्हें इनवाइट करने आई थी। मेरा मतलब है, आप सबको इनवाइट करने आई थी। हम एक छोटी सी पार्टी दे रहे हैं और आप सब आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। बैठो ना, चाय तो पियो। नहीं नहीं, आज जरा जल्दी में हो। डोंट माइंड, वो नेक्स्ट टाइम। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। आना जरूर। वाह, कल गजल सुनने गया था, आज गजल खुद चली आई। ये सियासत का इंसान के साथ बहुत बड़ा मजाक है। जब हम पैदा हुए तो सारा जहां हमारा था, जब होश संभाला तो कहीं पाकिस्तान, कहीं हिंदुस्तान। तो फिर आप जवानी क्यों हुए? अजी क्या कीजिए, आप जैसों के हुस्न ने जवान होने पे मजबूर कर दिया। आओ बैठो। लेकिन सीमा, एक बात समझ में नहीं आई। थैंक यू। क्या? वो गजल प्रोग्राम, गुलफाम हसन, ये पार्टी, तुम। शुरू से शुरू करती हूँ। दिल्ली में तो तुम जानते हो हमारी हालत क्या थी। रोशन भैया का ऑडियो कैसेट का बिजनेस था, वो हिट हो गया। बम्बई में उन्होंने एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो ले लिया और हम यहाँ आ गए। डोंट माइंड, गुलफाम साहब सिर्फ हमारे लिए गाते हैं, रोशन भैया बिजनेस संभालते हैं और मैं अकेली बैठी बैठी बोर होती हूँ। अरे भैया, इनसे मिलो, ये है मिस्टर अजय सिंह। ओ हेलो जी। हेलो। दिल्ली में हम साथ साथ पढ़ते थे। भाई वेरी गुड, तो आप बम्बई घूमने आए हो? जी नहीं, अब मैं यहीं रहता हूँ। भाई ये तो और भी अच्छा है। भाई सीमा, कभी इनको घर बुलाओ। होल्ड ऑन रोशन जी, थोड़ा फोन। भाई सीमा, जस्ट लुक आफ्टर हिम। भाई एंजॉय योरसेल्फ, बिना खाए नहीं जाना। थैंक यू। हाँ जी मालको। अरे जनाब, आजकल तो म्यूजिक कंपनियों को गजल की धुन भी डिस्को जैसी चाहिए। मैं गुलफाम साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ सीमा। अच्छा, आओ मिलवाती हूँ, आ जाओ। और अच्छे शायर भी कहाँ हैं आजकल? दरअसल ये शायरी में तसव्वुर की कंगाली का दौर है। जब अच्छी गजलें लिखी ही नहीं जाएंगी तो हम गाएंगे कहाँ। गुलफाम साहब, इनसे मिलिए, ये हमारे खास मेहमान हैं, मिस्टर अजय सिंह। आदाब। आपके मेहमान हैं तो हम इनके कद्रदान हैं। आप तो हमेशा स्टेज पे रहते हैं। जी नहीं, दीवानों के दिल में रहते हैं। क्यों अजय साहब, कोई शक? अगर है भी तो दूर किए देता हूँ। मिलते ही नजरें, दिल मिलाया नहीं जाता, आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता। ये गजल तो काफी पुरानी है और आप माशाल्लाह काफी जवान लगते हैं। आपने ये कहाँ सुन ली? जी नहीं, मैंने नहीं, मेरे काका ने सुनी थी, चितपुर के महाराज की महफिल में। अरे हाँ हाँ, वो आपकी पहली महफिल थी और मेरे काका ने उस महफिल की सारी गजलें रिकॉर्ड कर ली थी। अरे भाई, आप तो बड़े काम की चीज है। आप ये बताइए, मुझे वो रिकॉर्डिंग मिलेगी कहाँ? मेरे पास, मैं उन्हें अक्सर सुनता हूँ। मेरे काका बताते हैं कि आप उस महफिल में उस्ताद इम्तियाज अली खान के साथ गए थे और अपनी ठुमरी के बाद उन्होंने कहा था कि इस लड़के को सुनिए, आप मुझे भूल जाएंगे। आज भी उसी मासूमियत और ईमानदारी से गाने की कोशिश करता हूँ लेकिन अब मुमकिन नहीं रहा। उस तरह गा ना सकूँ लेकिन कम से कम उसे सुनकर अपने माजी को तो याद कर सकता हूँ। अगर आप वो रिकॉर्डिंग मुझे दे सकें, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा, जो आपका है आपको जरूर मिलेगा। क्या कह रहे हैं आप, तो फिर इसी बात पर एक एक जाम हो जाए। ठाकुर। क्या बात है, तूने हंसना छोड़ दिया, हंस तो। छोड़ो सुल्तान, यहाँ रोने की फुर्सत नहीं है, तुम हंसने की बात करते हो। ये लेडीज परफ्यूम है। हा? लेडीज परफ्यूम है। तो क्या हुआ? देखो ना। क्या सुल्तान भाई? अरे
ठाकुर बैठ भाई, राजन नीचे इंतजार कर रहा है। हाँ चलते हैं। और ठाकुर सब खैरियत तो है? अरे खैरियत गई तेल लेने, उधर मेरी वाट लग गई और तुम लोग इधर मस्ती कर रहे हो। क्यों क्या हुआ? इधर के क्राइम ब्रांच वाले मेरे घर पे आए और धमकी दे गए। क्या बात कर रहा तू ठाकुर? हाँ बोले ऐसी पिराठौर के सामने हाजिर हो जाओ नहीं तो मेरे को उड़ा देंगे। क्या ए शिवा, ये ऐसी पिराठौर कौन है? कमाल है, इधर के क्राइम ब्रांच का अफसर है और आप लोग को मालूम नहीं कौन है? ए ठाकुर अब तू इधर आ गया है ना तो दो चार दिन आराम कर, घबरा मत, मैं देखता हूँ क्या करने का है। ए माला संभाल इसको, कुछ पिला, ठंडा गरम, समझे क्या? मैं आता हूँ, चल शिवा। क्या लेंगे आप? हे शिवा, अरे बता राजन को आखे मुंबई में इसको AK-47 मिलेगी क्या? हाँ नहीं मिलेगी राजन, दो समझ के दे रहा हूँ, जबरदस्त चीज है, ले जाके फेंक दे गटर में, साल भर बाद भी निकालेगा ना वैसे ही फायर करेगी, मेंटेनेंस का कोई लफड़ा नहीं। एक नक का 1,00,000 रोकड़ा लाया क्या? देता हूँ ना, घाई है क्या? नहीं दे दे इसे। सलाम। ए गाड़ी का मत लगा। अरे गाड़ी साफ करता है, तुम्हारा जेब थोड़ी साफ करता है। पैसा नहीं मिलेगा। अरे किसको मांगता है पैसा, राजन सेठ से लेगा, राजन सेठ से, तुम्हारा सेठ अपने को पहचानता है। एक बार बोला ना गाड़ी को हाथ मत लगा। ए तू मेरे को मारा? हा? मेरे को मारा तू? अरे नया आया है तू इधर, मेरे को पहचानता नहीं है, तेरा सेठ मेरे को सालों से पहचानता है, समझा क्या? तू मेरे को पहचानता नहीं है। सलाम सेठ, सेठ सेठ सलाम सेठ। सेठ ये तुम्हारा ड्राइवर मेरे को चोर बोलता है, मेरे को सब पहचाना फटका, मेरे को चोर बोलता है सब। कम बोला कर। चुप चुप चुप। सलाम साहब, साहब सलाम। चल सलाम साहब। लेवल देखा लेवल, 1,000 रुपये का ड्राइवर अपने को चोर बोलता है। अरे साला 2,000 रुपये अपना दारू का खर्चा है। अरे सुल्तान ये ठाकुर क्यों आया है? भाई यहाँ कोई एसीपी राठौड़ है जिसने ठाकुर को धमकी दी है कि सरेंडर कर दे वरना जान से मार दूंगा। मैंने ठाकुर को 2-4 दिन के लिए रोक लिया है और शिवा से कहा है कि पता कर ये एसीपी राठौड़ कौन है। चंद्रपुर की रिपोर्ट लिख रहे हैं? ये मगजमारी का काम है, मेरे को नहीं जमता। अगर मुझे पढ़ने लिखने का शौक होता तो पुलिस में क्यों भर्ती होता? ला इधर ला। तुझे पता है ना राठौड़ साहब को एक भी गलती नहीं चलती। अरे कुछ भी लिखो ना यादव साहब, उस बच्चे को क्या पता चलने वाला है। अरे बच्चा नहीं है वो, बाप है तेरा।